नाम अशोक श्रीवास्तव हुआ। सर आप यहाँ पर क्यों आए? मैं यहाँ बिहार ऑल इंडिया आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की जो साफ सुथरी मांगे हैं उन मांगों की पूर्ति हेतु भारत सरकार के समक्ष इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग। साफ सुथरी मांगे वो कौन कौन सी हैं? वो मांगे हैं, पहला मानदेय की जगह वेतनमान लागू सरकार करे। दूसरी मांग है कि जब हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो राज्य कर्मियों के जितने तरह के दंड विधान इन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लागू किया जाता है वह न्यायोचित नहीं है, उसे समाप्त कर दिया जाए। तीसरी चीज़ है कि अभी माननीय मेनका गांधी ने अपने लेटर नंबर 316 में कहा है कि सेविका अंशकालिक कर्मी है, वो राज्य कर्मी नहीं बन सकती। तो जब हम अंशकालिक कर्मी हैं तो मुझसे 8 घंटे कार्य पूर्वकालिक कर्मी की तरह क्यों लिया जा रहा है, और जब सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो कर्मी शब्द कहाँ से आ गया? इस पर सरकार सोचे और इन लोगों को वेतनमान लागू करे। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हम महिलाओं का उत्थान करते हैं, महिला समृद्धिकरण योजना कौन कौन सी योजना चलाए। लेकिन आज 1975 से इस आंगनबाड़ी कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, तब तक से आज तक कांग्रेस के शासनकाल में जो भी इन लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन ये भाजपा की सरकार जब से आई है इन लोगों के महंगाई को देखते हुए भी एक नए पैसे का विकास नहीं किया गया है। लंबी चौड़ी बातें करती है, ये करना है महिलाओं का बहुत सा विकास करना ही। इन महिलाओं की मांगे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, ऐसा ये लोग क्या काम करते हैं कि इनको सरकारी घोषित किया जाए? इन लोगों के द्वारा सरकार की ऐसी कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं किया जाता है। जैसे पल्स पोलियो, BLO, ODF, जनगणना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, अन्य तमाम जितने ICDS कार्य के अलावे सेंट्रल सरकार द्वारा हो चाहे राज्य सरकार द्वारा है, ऐसी कोई भी कार्य नहीं है जो सेविकाओं से नहीं लिए जाते हैं। कुल मिला जुला करके अगर हम कार्य करने की गणना अगर करें तो आज 4 घंटे की जगह ये सेविकाएं जो है लगातार 9 घंटे 10 घंटे कार्य करती हैं, इसके बाद भी वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। इस आधार पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी हो, भारत सरकार पहले तो इन लोगों के कार्यों की समीक्षा करके अगर ये राज्यकर्मी नहीं बन सकती, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता की तरह इन्हें ट्रीट किया जाए और 4 घंटे के अंदर ही सारे कार्य लिए जाएं। नहीं तो अगर इन लोगों का कार्य 8 घंटे और 9 घंटे प्रदर्शित किया जाता है तो इन्हें वेतनमान हर कीमत पर दिया जाए। लेकिन सरकार ने 8 घंटे नहीं कहा है कि 8 घंटे आपको काम करना ही होगा, तो आप 2 घंटे में काम 4 घंटे में काम कैसे खत्म करेंगे? सरकार अगर ये कहती है 8 घंटे आपको कार्य करना होगा तो मजदूरी एक्ट अधिनियम 2005 के तहत जो लगातार 90 दिन कार्य कर लेते हैं उन्हें कर्मी माना जाता है, और उस एक्ट के हिसाब से अगर सेविकाएं 8 से 9 घंटे तक कार्य करती हैं तो उन्हें वेतनमान देना सरकार का विचार होगा। सरकार सर जब सरकार आपको एक्स्ट्रा काम करवाती है तो आपको भी अलग से वेतन भी देती है? सरकार जो भी मेरा अलग से कार्य करती है, अभी प्रधानमंत्री जी ने गत 2 वर्ष पहले एक समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया था कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले मजदूर की मजदूरी जो है 350 रुपये है, और जब लेटर नंबर 3201 के हिसाब से सेविका सामाजिक कार्यकर्ता हैं 4 घंटे कार्य करती हैं तो पहली चीज़ तो यह नियम विरुद्ध है कि वह 8 घंटे कार्य ले। दूसरी चीज़ अगर वो 8 घंटे कार्य लेती है, अगर वेतन मानती है तो कम से कम उसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी तो 350 के हिसाब से 10,500 रुपये होती है, उसको तो भुगतान करे। लेकिन सरकार को ख्याल कहाँ है महिलाओं का? कहती है महिला का उत्थान करेंगे, लेकिन इस सरकार से बड़ा महिलाओं का शोषण करने वाला कोई सरकार है ही नहीं।